नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ, मैं हूँ रूहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आता है जहां पर साफ तौर पर पाकिस्तान पर निशाना कसते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो समझ ले, क्योंकि जो हमने परमाणु बम रखे हैं वो दिवाली के लिए बचा के नहीं रखे हैं। उसी पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की मेहबूबा मुफ्ती कहती हैं कि पाकिस्तान ने भी जो परमाणु बम है वो ईद के लिए नहीं रखे हैं। इसी मसले पर आज विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जम्मू में भी जारी रहा। आइए आपको दिखाते हैं। मेहबूबा मुफ्ती को लेकर क्या है? मेहबूबा मुफ्ती के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेहबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का समर्थन करना चाहती है। मेहबूबा मुफ्ती जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास परमाणु जो है वो दिवाली में चलाने के लिए है, मेहबूबा मुफ्ती कहती है कि जो पाकिस्तान के पास परमाणु है वो ईद के अंदर चलाने वाला होगा। मेहबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का हर बार समर्थन करना चाहती है। जब कुर्सी पर उठी है तब वो हिंदुस्तान के विषय के अंदर बात करती है, प्रधानमंत्री के विषय के अंदर बात करती है, तब अच्छाइयां गिनाती है हिंदुस्तान की। और जब वो सत्ता के अंदर नहीं होती तो वो सत्ता विरोधी बातें और राष्ट्र विरोधी बातें करने का प्रयास करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए और मेहबूबा मुफ्ती को सीधा पाकिस्तान भेजना चाहिए ताकि वहां जाकर के चुनाव लड़ सके। वो हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं है। मेहबूबा मुफ्ती सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जाकर के चुनाव लड़ सकती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ दायर करना होगा। तो साफ तौर पर हमने आपको दिखाया किस तरह से विरोध प्रदर्शन जम्मू में भी किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि बोल जो है हर बार मेहबूबा मुफ्ती के बिगड़ते हैं, चाहे 370 की बात हो, 35A की बात हो, कभी तिरंगा ना उठाने वाला कोई शख्स नहीं मिलेगा, इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया। रिश्ता ख़त्म कर दिया जाएगा हिंदुस्तान के साथ, इस तरह का बयान आया। और काफ़ी ऐसे बयान जो है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं खरी खोटी मेहबूबा मुफ्ती को राष्ट्र की राजनीति में भी सुननी पड़ती है, तमाम नेताओं से भी सुननी पड़ती है। लेकिन अनंतनाग की सीट से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और जनता क्या उनको वोटों से नवाजेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, रोषित है जम्मू के लोग और गुस्सा जो है साफ तौर पर आज देखने को मिला पूर्व मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती के खिलाफ़।